नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। मुंबई में राहुल गांधी ने जारी किया है पोस्टर, एक है तो सेफ है का पोस्टर किया है जारी। जातीय जनगणना प्राथमिकता, ये राहुल गांधी द्वारा कहा गया है। देखिए पोस्टर जब अनवील कर रहे थे राहुल गांधी, तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे। किसान युवाओं के लिए लड़ेंगे राहुल, महिलाओं को सशक्त करना मकसद है, पिछड़े वर्ग की बड़ी भागीदारी नहीं, बेरोजगारी महंगाई हद से ज्यादा है, ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही। देखिए एक है तो सेफ है ये नारा अनवील किस तरह से किया गया, पोस्टर किस तरह से अनवील हुआ है वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे। तो मैं बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई हद से ज्यादा, ये राहुल गांधी ने कहा है। बेरोजगारी महंगाई पर रोक जरूरी हो जाती है। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, ये तमाम बातों का जिक्र किया गया। देखिए महाराष्ट्र में चुनाव है और उससे पहले किस तरह से चुनावी सरगर्मियां तेज हैं वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं और लगातार आपको बता भी रहे। तो 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, राहुल गांधी ने कहा। किसान मजदूर युवा के लिए लड़ेंगे, एक है तो सेफ है नारे पर राहुल गांधी ने हमला बोला है और उसके बाद किस तरह से राहुल गांधी ने तंज कसा है वो तस्वीरों के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी ने ये जो पोस्टर अनवील किया है, इस पोस्टर के जरिए तंज कसा है और सवाल ये दागा है, सवाल ये पूछा है कि आखिर सेफ है कौन। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मुंबई में राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव विचारधाराओं का चुनाव है और एक दो अरबपतियों और गरीबों के बीच का चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में आ जाए। अनुमान है कि 1 लाख करोड़ रुपए 1 अरबपति को दिए जाएंगे। हमारी सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों, गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं को मदद की दरकार है। हम हर महिला के बैंक खाते में 3000 रुपए जमा करेंगे। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा होगी। किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। सोयाबीन के लिए 7000 रुपए प्रति क्विंटल और जाति जनगणना जो हम तेलंगाना कर्नाटक में करवा रहे हैं, हम इसे महाराष्ट्र में भी करवाएंगे। वही राहुल गांधी ने एक है तो सेफ है का पोस्टर जारी कर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। तो देखिए तमाम योजनाओं का जिक्र किया, तमाम वादों का जिक्र किया राहुल गांधी ने जब पहुंचे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो चुनाव है विचारधारा का चुनाव है और 1-2 अरबपति और गरीबों के बीच में चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ चले जाए। एस्टिमेट है 1 लाख करोड़ का एस्टिमेट है, 1 अरबपति को 1 लाख करोड़ रुपए देने की बात है। ये बैकग्राउंड मैं आपको दे रहा हूं। हमारी सोच है कि महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के किसानों को, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं को मदद की जरूरत है। रोजगार, महंगाई मेन इश्यूज हैं और हमने क्लियरली बोला है, हर भाषण में मैं बोलता हूं कि हमारी फोकस महिलाओं की मदद करने का है। 3000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। फ्री बस ट्रेवल होगा महिलाओं के लिए। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। सोयाबीन के 7000 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमिटी, फेयर MSP कपास के किसानों के लिए, कास्ट सेंसस जो हम तेलंगाना में, कर्नाटक में करवा रहे हैं वो हम महाराष्ट्र में करवाएंगे। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी शुभम पांडे जुड़ चुके हैं। शुभम, सबसे पहले तो आप ये जो राहुल गांधी ने मुंबई में पोस्टर जारी किया है जिसके तहत तंज कसा है, कटाक्ष किया है, जरा इस पोस्टर को समझाइए। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये जो राहुल गांधी ने पोस्टर जारी किया है, देखिए इसमें एक है तो सेफ है, उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि
एक यानी अडानी है तो सेफ है और धारावी का प्रोजेक्ट है तो सेफ है। यानी जिस तरह से एक बार फिर से अडानी का और धारावी का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से गर्मा गया है महाराष्ट्र की राजनीति में। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये जो बयानबाजियां की जा रही हैं इससे का किसका कितना असर पड़ता है। देखिए कुछ ही घंटे वक्त बचे हैं चुनाव प्रचार खत्म होने में, तो राहुल गांधी की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले। उसके पहले उन्होंने एक है तो सेफ के एक पोस्टर निकालते जिसमें नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी साथ में दिख रहे हैं। दूसरी तरफ धारावी का प्रोजेक्ट जो गौतम अडानी के पास यानी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के पास गया। तो इस तरीके से जो बातें हुई है अब देखना होगा किस तरह से बीजेपी इस पर पलटवार करती है। बिल्कुल, और देखिए साथ साथ अगर हम देखें शुभम तो बहुत सारी ऐसी योजनाओं का जिक्र किया है राहुल गांधी ने जो कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करे और तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। महिलाओं की भी बात की गई है, बेरोजगारों का भी जिक्र किया है, युवाओं का जिक्र किया है और किसानों की बात भी कही गई है। देखिए किसानों का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा है कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में भी रखा है। अब देखना होगा कि किस तरह से मैनिफेस्टो को लेकर घर घर तक पहुंचे हैं और कितना उन्हें इसका आशीर्वाद जनता की तरफ से मिलता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी अडानी की मुद्दा हो या जो अन्य मुद्दे हैं उसका हमें असर देखने को मिला कि 13 सीटें कांग्रेस 2019 में लोकसभा चुनाव में एक सीट जीत के आई थी लेकिन 2024 विधानसभा में 13 सीटें जीत कर आ रही। तो अब इसी उम्मीद पर महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में भी चुनाव की तैयारियां जो है वो कांग्रेस अपनी तरफ से कर रही है। अडानी का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा और धारावी खासतौर पर मुंबई का जो मुद्दा है वो से लेकर ही इस चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी इस बार आते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल शुभम, देखिए चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं तो आपको क्या लगता है, एक तरफ अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार इस बात का हवाला बार बार दे रही है कि एक अगर रहेंगे तो सेफ रहेंगे और अगर हम बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे, अब राहुल गांधी ने जिस तरह से कटाक्ष किया आपको क्या लगता है कि ज्यादा कारगर जो है और ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कौन सा नारा जो है वो दिखाई दे रहा है आपको, अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति का चूंकि जिक्र करें और वहां पर चुनाव है उसी परिप्रेक्ष्य में? देखिए एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, इसका समर्थक तो एकनाथ शिंदे हो या माफ कीजिए अजित पवार हो, ये दोनों जो है इसका समर्थन करते नहीं थे जो उनके सहयोगी दल है। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपने मुद्दों को लेकर है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो चाहे जो मुद्दा हो, इस पर चुनाव लड़ने की बात करें तो मध्य तो यही दिख रहा है कि बीजेपी के इस नारे से बटेंगे तो कटेंगे एक है तो सेफ इस पे कोई समर्थन नहीं कर रहा, उनकी सहयोगी दल भी समर्थन नहीं दे रही है। अब देखिए मतदान किस तरह से होता है, कितनी सीटें आती हैं, उसके बाद इन नारों का कितना किस पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान होता है कितना फायदा, ये 23 नवंबर के कुछ घंटे जो है दोपहर के वो बता देंगे। बिल्कुल शुभम, इंतजार 23 नवंबर का कर लेते हैं। शुक्रिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। तो राहुल गांधी ने अनवील किया है पोस्टर, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कटाक्ष किया है और कटाक्ष किया है ये एक है तो सेफ है, अब कौन सेफ है ये सवाल पूछा राहुल गांधी ने और यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि देखिए जो असल मुद्दे हैं महाराष्ट्र में हो, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मसला है, महिलाओं की सुरक्षा का मामला है। लड़की बहीण माझी लाडका युवा सगळ्यां पुढे अपुला शीत करी हवा